हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। एंड मॉनसून आ गया है, तो सबसे पहले तो हैप्पी मॉनसून। एंड बाहर बारिश हो रही है, तो मैंने सोचा कि आपको अपने छोटे से बालकनी गार्डन का एक टूर करवा दूं, जिसमें ज़्यादा प्लांट्स तो नहीं है, बट येस एक कॉर्नर में मैंने बहुत सारे प्लांट्स अरेंज करे हैं। बस इतनी वैराइटीज़ अभी प्लांट्स की नहीं है, बट मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मेरे पास बहुत अलग अलग टाइप के प्लांट्स आएँ एंड मेरे घर में जो प्लांट वैराइटीज़ है वो इंक्रीज़ होती जाए। आई थिंक हर गार्डनर का मतलब विश यही होती है। एंड इसके साथ जो है, टूर के साथ मैं जो है आपको कुछ प्लांट्स के नेम भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कौन कौन से प्लांट्स जो है मैंने रखे हैं, इंडोर भी हैं आउटडोर भी हैं। सो मैंने सब एक बालकनी में एक अरेंजमेंट करके जो है उनको रखा है, जो कि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स गो। सो गाइज, ये है मेरा एक छोटा सा स्मॉल बालकनी गार्डन एंड जो मेरा पेट है टिकू वो यहाँ पर सो रखा है। सो मैं आपको अभी इन प्लांट्स के नेम बता देती हूँ। ये है सिंगोनियम, और सिंगोनियम के बाद यहाँ पर मैंने तीन विनका रखे हैं, जिसे हम सदाबहार बोलते हैं। तो ये देसी वैरायटी है, वाइट और पिंक पर्पल टाइप की। तो इसकी हाइट थोड़ी बड़ी है, इसलिए मैंने इसको दीवार के साइड रखा है। और ये यहाँ पर फोनिक्स पाम है। फोनिक्स पाम के बाद जो है यहाँ पर क्रोटन है, एंड ये है डेविल्स बैकबोन, जिसे हम लोग पेडिलेंथस भी बोलते हैं। और ये है इंच प्लांट, और इंच प्लांट के बाद जो ये वाला प्लांट आप देख रहे हो, ये है गोल्डन साइप्रस। और गोल्डन साइप्रस के बाद जो ये है रोज़। और ये रोज़ जो बुके में जो रोज़ आता है ना, उसकी कटिंग से इसको जो है ग्रो करा है। एंड रोज़ के पीछे जो आप ग्रीन कलर का प्लांट देख रहे हो, वो है कोचिया। एंड ये है गुड़ल, जो कि ट्रांसप्लांटिंग शॉक से ओवरकम करके जो है आया है, एंड अब ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो रहा है, एंड आई होप ये जल्दी अच्छे से ग्रो हो जाए। एंड ये है क्लोरोफाइटम। क्लोरोफाइटम के बाद यहाँ पर मैंने रखा है क्रोटन, एंड ये है सॉन्ग्स ऑफ इंडिया। ये ग्रीन कलर का है, इसका एक वेरीगेटेड भी आता है, ड्रेसिना की एक वेराइटी है ये। एंड ये है हाइब्रिड विनका, और ये भी हाइब्रिड विनका है, और इसमें दो टाइप के विनका हैं। एक बेबी पिंक कलर का फ्लावर आता है, लेकिन वो अभी इसमें खिला नहीं है अच्छे से, उस प्लांट की ग्रोथ अच्छे से हो नहीं रखी है। बाकी ये वाला अच्छे से ग्रो हो रखा है इसमें। एंड ये जो है, ये है रोयो प्लांट, एंड ये है मिनी चांदनी, और ये है वॉन्ड्रिंग ज्यू माई फेवरेट, एंड ये है अपराजिता, और ये जो है ये है बालसम। एंड इन सब के अलावा जो है यहाँ पर मैंने एक हैंगिंग बास्केट रखी है मनी प्लांट की, जिसे मैंने कटिंग से ग्रो करा है, एंड ये जो है अब नीचे भी आने लगा है। और यहाँ पर जो है ये बर्ड नेस्ट लगा रखा है, ये मतलब एक चिड़िया जो है वो घोंसला बना के चली गई थी, तो वो मैंने यहाँ पर रखा है। अभी बर्ड नेस्ट रख के जो है गार्डन में एक बहुत ही नेचुरल फीलिंग मिलती है, सो इसलिए मैंने अपने गार्डन को बिल्कुल नेचुरल बनाने के लिए ये बर्ड नेस्ट यहाँ पर रखा है। सो बस गाइज, यही है मेरा एक छोटा सा स्मॉल बालकनी गार्डन। आई होप आपको मेरा गार्डन पसंद आया हो। सो अगर आपको मेरा ये छोटा सा गार्डन पसंद आया हो, सो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड इट भौंक रहा है।